Assalamu alaikum friends, this is Muhammad Hassan Chauhan and today we are going to start lecture number 5, that is operation on cells. जी हाँ, आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन ऑन टू सेट्स. यानी कि हमें दो सेट्स गिवन होंगे और उन्हीं दो सेट्स में से हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे. ठीक है जी, अब वो ऑपरेशन कौन से हैं और कैसे सॉल्व होते हैं, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास जो सेट है दैट इज यूनियन ऑफ अ सेट. यूनियन ऑफ अ सेट हमारे पास आता है कि किस तरह से जो है हम एक सेट को यूनियन करवाते हैं. ठीक है, डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, अ सेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ऐसा सेट क्योंकि सारे एलिमेंट्स जिसमें शामिल होंगे और किसके, दैट आर इन ए और बी, यानी कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें शामिल होंगे. ठीक है, मिक्स होंगे, साथ में होंगे, मौजूद होंगे, या फिर और बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सेट्स के एलिमेंट जो है वो मिक्स किए जाएंगे, तो ऐसे सेट को हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं. लेट्स सी एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. फॉर एग्जांपल आई हैव एग्जांपल नंबर 1 एंड दैट आई हैव सेट ए 1 2 3 एंड आई हैव सेट बी दैट इज 4 5 6. अब मुझे परफॉर्म करवाना है, क्या परफॉर्म करवाना है, ए यूनियन बी मुझे मालूम करना है. ठीक है जी, तो मैं किस तरह से यूनियन मालूम करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा कि ए यूनियन बी, यहाँ पे ए पहले आ रहा है तो ए के एलिमेंट्स पहले हम यहाँ पे रखेंगे. ठीक है जी, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 और यूनियन करवाएंगे बी के साथ. बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 4 5 6. नाउ वी हैव ए यूनियन बी. अब आंसर निकालेंगे, क्या कह रहा है कि दोनों एलिमेंट्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, यानी कि बोथ सेट्स के सारे एलिमेंट्स होंगे. ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6, मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर साथ में रखेंगे. ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ अ सेट. मजीद एग्जांपल्स देखते हैं हम. फॉर एग्जांपल आई हैव मोर सेट्स, एग्जांपल नंबर 2, आई हैव सेट सी दैट इज 2 4 6 and I have set D that is 1 3 5. अब मुझे सॉल्व करना है C को, C यूनियन D मुझे क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा C यूनियन D को, तो यहाँ पे मैं C यूनियन D का साइन लिखूंगा और यहाँ पे जो है C के एलिमेंट्स पहले लिखूंगा 2 4 6 एंड यूनियन D के एलिमेंट्स. अब लिखेंगे हम D के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 1 3 5. अब C यूनियन D को हम मालूम करेंगे कैसे, अच्छा यहाँ पे 2 4 6 और यहाँ पे 1 3 5, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों सेट्स को मिक्स करके लिखना है. ठीक है जी, दोनों सेट्स को मिलाकर लिखना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखने हैं. तो अगर मैं पहले लिखता हूँ 2 4 6 और बाद में लिखता हूँ 1 3 5 तो भी आंसर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अगर मैं ये लिखता हूँ पहले और बाद में ये एलिमेंट्स लिखता हूँ तो भी सेट हो जाएगा, लेकिन हम क्यों ना इन दोनों को मिला के तरतीब वार लिख दें. ठीक है, तो कैसे जाएगा, 1 ये रहा और 2 इसका, 2 3 इसका एंड 4 यहाँ से. ठीक है जी, ये 5 एंड ये 6, ये हो गया C यूनियन D का हमारे पास यूनियन, यहाँ पे हमने निकाला है. ठीक है, इस तरह से अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास और एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, मेरे पास सेट E है दैट इज A B C और मेरे पास सेट F है दैट इज A E I O. ठीक है, अच्छा अब इनका मुझे मालूम करना है E यूनियन F मालूम करना है, तो मैं कैसे मालूम करूंगा, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. E यूनियन F लिखेंगे और पहले E आ रहा है, एक E के एलिमेंट लिखेंगे A B C,
करवाएंगे किसके साथ? F के साथ, A E I O। तो अब इनका E यूनियन F का जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? A B C I O। अच्छा अब यहाँ A यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम इसको दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि A जो है रिपीटेड आ रहा है, इसलिए हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये है हमारा यूनियन ऑफ अ सेट। अच्छा अब यूनियन ऑफ अ सेट में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक सेट मतलब इसका है कि दोनों सेट्स को मिला के रखना। अब ऐसे होता है कि एक सेट में हमारे पास 1, 2, 3 आ जाए और सेट बी में हमारे पास ए बी सी आ जाए, मतलब एक सेट में हमारे पास नंबर्स हो और दूसरे सेट में हमारे पास अल्फाबेट्स हो, तो इन सेट्स को क्या हम मिला के रख सकते हैं? जी हाँ, अगर ऑपरेशन यूनियन मालूम करना होगा तो पहले अल्फाबेट्स लिख लें बाद में नंबर्स लिख लें, या पहले नंबर्स लिख लें बाद में अल्फाबेट्स लिख लें, बात एक ही होगी और हम ऐसे यूनियन मालूम कर सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट क्या होते हैं हमारे पास? A set of all elements, सभी elements का set which belongs to A and B, जो के belongs करते हैं set A और B के साथ, मतलब ऐसे elements जो set A में भी मौजूद होंगे और set B में भी मौजूद होंगे, तो ऐसे set के elements को हम elements के set को हम क्या बोलते हैं? Intersection of a set। Let's see the examples। For example, we have एग्जाम्पल नंबर वन, हमारे पास सेट ए है दैट इज 1, 2, 3 एंड वी हैव सेट बी दैट इज 2, 4, 5 एंड 6। हमें मालूम करना है ए इंटरसेक्शन बी, हमें इसका मालूम करना है, तो हम कैसे मालूम करेंगे? ये कंडीशन स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए पहले आ रहा है तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1, 2, 3 इंटरसेक्शन की साइन एंड देन बी के एलिमेंट्स कौन से हैं 2, 4, 5, 6। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो है क्या आ जाएगा? ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में भी हों और बी में भी हों, दोनों सेट से बिलोंग करते हैं। आप देखिए दोनों सेट में कौन से एलिमेंट्स है? 1, यहाँ पे 1 है, क्या इस सेट में 1 है? तो मैं 1 लिखूं यहाँ पे? नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 यहाँ पे मौजूद है, इसमें मौजूद नहीं है। 2 यहाँ है, क्या 2 इस सेट में मौजूद है? जी हाँ, सेट बी में भी है और सेट ए में भी 2 मौजूद है, तो 2 को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है आंसर में। अच्छा 3, क्या 3 इस सेट में मौजूद है? नहीं है, तो हम लिखेंगे आंसर में? नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। लेट्स सी द मोर एग्जांपल्स। अब मिसाल के तौर पे वी हैव फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 2, वी हैव सेट ए दैट इज ए बी सी डी ई एंड वी हैव सेट बी दैट इज, चलो मैं ग्राफ चेंज कर देता हूँ, सी एंड डी। अब क्या है हमारे पास? ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी जो है हम फाइंड करेंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? सी इंटरसेक्शन डी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे और सी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ए बी सी डी ई एंड इंटरसेक्शन करवाएंगे किसके साथ? डी के साथ। डी के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास? ए ई आई ओ यू। लेट्स सी द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है जी। सी इंटरसेक्शन डी दैट इज कॉमन एलिमेंट्स, सेट ए, ए में यहाँ पे मौजूद है और ए यहाँ पर भी मौजूद है, क्या मैं आंसर में लिखूं? जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ ए, ठीक है। अच्छा मजीद देखें क्या यहाँ बी इस सेट में मौजूद है, क्या बी यहाँ पे मौजूद है इस सेट में? नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। सी यहाँ पे मौजूद है, सी इस सेट में मौजूद है? नहीं है, ठीक है। डी यहाँ पर है, क्या डी इस सेट में मौजूद है? नहीं है। ई यहाँ पे मौजूद है, क्या ई इस सेट में मौजूद है? जी हाँ, ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ई को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यू जो है,
यहाँ पे है, इस सेट में मौजूद नहीं है, तो यू को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा सी इंटरसेक्शन डी। लेट सी द मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज ए सेट मेरे पास है 1, 2, 3 एंड बी सेट मेरे पास है 4, 5, 6। अच्छा, अब इनका हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इनको नाम यहाँ पे दे देते हैं ई, और इस सेट को मैं नाम यहाँ पे दे देता हूँ एफ, ठीक है। तो हमें ई और इंटरसेक्शन एफ जो है हमें मालूम करना है यहाँ पे। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू ई के एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3 इंटरसेक्शन एफ के एलिमेंट्स कौन से 4, 5, 6। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई एलिमेंट्स जो है कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में। तो यहाँ पे इनका आंसर क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास इनका आंसर रहेगा एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे वो भी बाहर अकेले से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि स्टार्टर में जब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे वहाँ पे हमने नल सेट और एम्प्टी सेट पढ़ा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेट, इसको हम क्यों कंसिडर करते हैं टाइप्स ऑफ सेट, क्योंकि जब हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है तो जब दोनों सेट्स में से कोई भी सेट जो है कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है तो हमारे पास नतीजा रिजल्ट आना दोनों सेट्स का बहुत ही लाजम होता है। तो अगर कोई भी सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता है तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यूनियन ऑफ अ सेट में क्या हो रहा था कि कोई भी एलिमेंट्स हो हम उनको मिक्स करके रख सकते हैं तो यूनियन बनेगा। अब जब इंटरसेक्शन की बात होगी तो सिर्फ वही एलिमेंट्स हम चूज करेंगे जो कि दोनों सेट्स में से कॉमन होंगे, ठीक है। वहां पे मैं कह रहा था कि अगर एक सेट में हमारे पास 1, 2, 3 है और दूसरे सेट में हमारे पास ए बी सी है, यूनियन की बात कर रहा हूं, तो यूनियन में हम मिक्स करके रख सकते हैं। इंटरसेक्शन की बात आएगी तो कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहे तो वहां पे यहाँ पे हम दोनों को कॉमन नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिर अगर 1, 2, 3 और एबीसी का सेट आएगा, इंटरसेक्शन मालूम करना होगा, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास सेट एम्प्टी सेट या फिर नल सेट आंसर आएगा। लेट सी द नेक्स्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन नंबर 3, दैट इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है हमारे पास, अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि ऐसा सेट जो कि किस किन के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा, दैट विल बी ए, मतलब सारे सेट्स सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, ए के होंगे, बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। जब हम इनको ऑपरेशन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ए के सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, नॉट फ्रॉम द बी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में मौजूद होंगे, ए में मौजूद होंगे, बी में मौजूद नहीं होंगे। लेट्स सी एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 आई हैव, दैट इज सेट ए मेरे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5। एग्जांपल एंड बी, सेट बी मेरे पास है 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब मुझे मालूम करना है ए डिफरेंस बी, ये जो साइन बीच में मैंने माइनस की दी है इसको हम कहते हैं डिफरेंस बी, ठीक है। तो ये हमें मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे हम, सेट ए डिफरेंस बी सेम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। डिफरेंस बी के एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, 2, 4, 6 एंड 8। आप ऐसे सेट ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ए में मौजूद होंगे, ठीक है। अब ए में कैसे, 1 यहां पे मौजूद है, क्या इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो हम आंसर में 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा,
क्योंकि वन इज अ डिफरेंट फ्रॉम बी, हम यहाँ पे डिफरेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा टू यहाँ पे मौजूद है, टू यहाँ पे मौजूद है, जी हाँ टू में आंसर में लिखूं नहीं लिखूंगा क्योंकि टू जो है वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है जी। थ्री यहाँ पे है, क्या थ्री सेट में मौजूद है, बी में नहीं है, तो हम थ्री यहाँ पे लिखेंगे थ्री इज अ डिफरेंट। फोर यहाँ पे मौजूद है, क्या फोर इसमें मौजूद है, जी हाँ फोर है, तो क्या मैं फोर लिखूं आंसर में, नहीं लिखूंगा क्योंकि फोर जो है वो डिफरेंट नहीं है। अच्छा फाइव यहाँ पर है, फाइव इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो फाइव हम आंसर में लिखेंगे, जी हाँ लिखेंगे क्योंकि फाइव इज अ डिफरेंट, ठीक है। अच्छा तो हमने कौन से एलिमेंट सिलेक्ट किए, ए में से सारे एलिमेंट सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे आंसर बनाया, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स किसमें होंगे, सिर्फ ए में बिलोंग्स करते होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए इसी सेट को हम क्या करते हैं, बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं इसी सेट में से, तो बी डिफरेंस ए हम फाइंड करेंगे, बी डिफरेंस ए क्या होगा हमारे पास, बी डिफरेंस ए हम फाइंड करेंगे तो दैट विल बी बी डिफरेंस ए इक्वल्स टू, तो यहाँ पे b पहले आ रहे तो b के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, ठीक है। b के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 2, 4, 6 and 8 डिफरेंस। अब a के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो b डिफरेंस a हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि b में जो एलिमेंट्स हो वो a में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम डेफिनेशन चेंज कर देंगे क्योंकि हम बी का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आर एलिमेंट्स कंटेनिंग ऑफ बी बट नॉट ए, सही है। तो यहाँ पे देखें, टू यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी है, तो आंसर में मैं लिखूं नहीं लिख सकता क्योंकि टू इज नॉट अ डिफरेंट बट इट्स अ कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फोर है, इस सेट में भी फोर है, तो फोर हम आंसर में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो क्या हम सिक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें सिक्स, जी हाँ लिख सकते हैं क्योंकि सिक्स इसमें नहीं है और सिक्स यहाँ पे है, दिस इज अ डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ सिक्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा एट, क्या एट इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो एट हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, लेट्स सी अदर एग्जाम्पल, क्योंकि जितनी ज्यादा एग्जाम्पल्स होती है उतना ज्यादा समझ में आता है, आसानी से समझ में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू, मेरे पास सेट सी मौजूद है, दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे मैं ई भी लिख देता हूँ, और मेरे पास डी सेट मौजूद है, दैट इज ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है सी डिफरेंस डी, तो सी डिफरेंस डी मैं कैसे फाइंड करूंगा, यहाँ पे पहले ये स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा c डिफरेंस d इक्वल्स टू, तो c के एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, a b c d e, ठीक है, और डिफरेंस अब d के एलिमेंट्स कौन से हैं, a e i o u, अब c डिफरेंस d हमारे पास आ जाएगा। अच्छा इनमें से a यहाँ पे मौजूद है, a यहाँ पे भी मौजूद है, क्या मैं लिखूं आंसर में, नहीं लिख सकता क्योंकि इट्स अ कॉमन एलिमेंट, हमें डिफरेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी है, क्या बी इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, जी हाँ बिकॉज बी इज अ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। अच्छा डी, क्या डी इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो क्या हम आंसर में लिखेंगे, जी हाँ लिखेंगे। अच्छा सी देखेंगे पहले, क्योंकि सी इस सेट में मौजूद नहीं है, तो सी हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर डी को देखेंगे, क्या डी इस सेट में मौजूद है, नहीं है, तो यहाँ पे हम डी लिखेंगे, ठीक है जी। ई देखें, ई इसमें मौजूद है, जी हाँ ई मौजूद है, तो कॉमन एलिमेंट हम नहीं लिख सकते, तो दिस इज द आंसर ऑफ सी डिफरेंस डी। चले जी मैं आपको डी डिफरेंस सी भी करके दिखा देता हूँ कि जब हम इसी सेट में से अगर हमारे पास आंसर आ जाए, तो क्वेश्चन आ जाए कि डी डिफरेंस सी फाइंड करके दें, तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेम मेथड सेम तरीका, तो डी डिफरेंस सी हम करेंगे। अब d पहले आ रहा है, तो d के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, कौन से हैं, a e i o u का डिफरेंस निकालना है c के साथ, c के एलिमेंट्स कौन से हैं, a b c d and e, ठीक है, तो d डिफरेंस c। अच्छा मैं इसको इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर दूं ताकि आपको आप ये ना समझे कि ये कंटिन्यू है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें,
ए यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी मौजूद है, क्या मैं आंसर में लिखूं? नहीं, ये कॉमन हो गया, ठीक है। ई यहाँ पर है, क्या इस सेट में ई है? जी हाँ, ई मौजूद है, तो लिखूं आंसर में? नहीं लिख सकता क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, आई यहाँ पर है, क्या आई इस सेट में मौजूद है? नहीं है, तो आई यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। ओ भी नहीं है, तो ओ को भी यहाँ पे लिखेंगे। यू, यू भी सेट में मौजूद नहीं है, तो यू यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आंसर डी, डिफरेंस सी का। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपने किसी भी सेट का डिफरेंस निकालना है तो आप देखेंगे कि ए डिफरेंस बी मांग रहा है या फिर बी डिफरेंस ए मांग रहा है, ठीक है। सी डिफरेंस डी है या फिर डी डिफरेंस सी है। जो सेट पहले रखा जाएगा उसके उनके एलिमेंट्स हम मैच करेंगे दूसरे सेट के साथ, क्या कॉमन एलिमेंट्स है या नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट्स है उनको छोड़ के बाकी जो डिफरेंस एलिमेंट्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब अगर हम मिसाल के तौर पे एक सेट हमारे पास है 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास ए बी सी, अब इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 2 3 आएगा क्योंकि डिफरेंट है ना, सारे 1 2 3 सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड अगर हमारे पास इस तरह से हो कि मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेकंड जो है वो खाली सेट हो, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? ऑब्वियसली ए बी सी आएगा क्योंकि हमें डिफरेंट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर करेंगे तो हमें डिफरेंट ऑफ अ सेट समझ में आ जाएगा, और आई थिंक अब आप कर भी सकते हैं ना ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। थैंक यू वेरी मच।